टेंथ क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रिक फार्मूलाज एंड एप्लीकेशंस लेक्चर नंबर 6 एंड टुडे वी डिस्कस द एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए क्यू माइनस पी क्यू व्हेन ए माइनस पी इक्वल्स टू 4 एंड ए बी इक्वल्स टू माइनस 5 ओके जी सो फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन We have a minus b equals to 4, a b equals to minus 5. And we have to find a q minus b q. Now we use the formula of a minus b whole cube equals to 4 cube. And a minus b whole cube equals to a q minus b q minus 3 into a b. ओके जी आपके पास ये फार्मूला होता है आपने पढ़ा होगा पहले ए माइनस बी होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है आपने ये पढ़ा होगा ए बी माइनस होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यू माइनस 3 ए बी इन टू ए माइनस बी इन टू माइनस बी क्यूब ठीक है जी आप यहाँ पर देखें ये क्या बनता है अगर मैं आपको एक दफा फार्मूला लिख के दिखा दूं फार्मूला आपके पास बनता है कुछ इस तरह आपने जो पहले फार्मूला पढ़ा था वो कोई और था ये जो फार्मूला है ये है कोई और पहले है ए क्यूब ओके जी फिर ए क्यूब माइनस 3 ए बी इन टू a माइनस बी इन टू माइनस बी होल क्यूब तो ये था फार्मूला लेकिन पिछले क्वेश्चन में जो आपने फार्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है a क्यूब माइनस 3 a स्क्वेयर b ओके जी एंड प्लस 3 ए बी होल स्क्वेयर ओके माइनस बी होल क्यूब आपने ये फार्मूला पढ़ा है ये फार्मूला आपने पिछले क्वेश्चंस में यूज भी किया था लेकिन इन क्वेश्चंस में हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और ये जो फार्मूला बना है ये अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये इसी से बना है ये जो ऊपर वाला फार्मूला है उसी से बना है ऊपर वाले फार्मूले में क्या है ए क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी क्यूब अब नीचे वाला फार्मूला अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वेयर बी ए स्क्वेयर कैसे होता है व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 ए बी विद इन द ब्रैकेट सो माइनस प्लस माइनस 3 ए इंटू ए ए स्क्वेयर बी नाउ माइनस माइनस प्लस 3 ए बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब ओके सो ये जो आपके पास फार्मूला है ये ओरिजिनल फार्मूला है ये फार्मूला इसी से बनाया गया है ऊपर वाले से हम इस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला यूज करेंगे ऊपर जब आपने ये फार्मूला यूज किया आपने लिखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इज माइनस 5 एंड ए माइनस बी इज 4 ओके 3 4 जा 12 12 5 जा 16 माइनस माइनस प्लस 16 इक्वल टू 64 व्हेन यू टेक प्लस 60 टू द लेफ्ट हैंड साइड इट बिकम्स माइनस 60 64 माइनस 64 व्हिच इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15 ओके नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 16 ओके सो क्वेश्चन नंबर 16 इज z प्लस 1 ओवर z होल स्क्वायर माइनस z माइनस 1 ओवर z होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ओके जी नाउ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड z स्क्वायर प्लस 2 इनटू ab प्लस b स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर
and a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square. Okay, now here a is z and b is 1 over z. So according to the formula, a square means z square plus 2ab. A is z and b is 1 over z. So that's why we write here z and 1 over z plus 1 over z whole square. Okay, minus z minus 1 over z whole square is equal to z square minus 2 into z into 1 over z plus 1 over z whole square, because here a is z and b is 1 over z. So that's why we write z and 1 over z. Okay, now z square plus 2 z and z कैंसल. अगर आप करना चाहे तो यहाँ पर ही कर दें, नहीं करते तो आप बेशक यहाँ पर लिखा रहने दें. वन ओवर जेड होल स्क्वायर बिकॉज ऑफ दिस माइनस वी चेंज साइन ऑफ ऑल द टर्म्स विद इन द ब्रैकेट. सो प्लस जेड स्क्वायर चेंज इनटू माइनस जेड स्क्वायर माइनस टू इनटू जेड इनटू वन ओवर जेड बिकम्स प्लस टू एंड प्लस चेंज इनटू माइनस. ओके जी, नाउ माइनस वन ओवर जेड होल स्क्वायर cancel with plus 1 over z whole square minus z square cancel with plus z square. Remaining is 2z into 1 over z, 2z into 1 over z, 2, 2, 4. Now z and z cancel, 4 is your answer. अब ये question आप एक और तरीके से भी कर सकते थे और वो तरीका बहुत ही simple था. ये तरीका सिर्फ इसलिए किया गया कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए कि फार्मूला किस तरह बनता है. आपने ये फार्मूला पढ़ा है, जैसे कौन सा फार्मूला आपने ये फार्मूला पढ़ा था, ए माइनस बी होल स्क्वायर. ओके जी, माइनस ए प्लस b whole square equals to 4ab. आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, a minus b whole square minus a plus b whole square equals to 4ab. और आपने ये फॉर्मूला पिछले क्वेश्चंस में यूज भी किया था. आपको याद होगा जब आपने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो उसमें आपने ये यूज किया था. दो फार्मूले यूज किए थे, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और दूसरा फार्मूला ये था, a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab. तो आप ये डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ये लिख के इसको लिखें 4ab, a इज z, b इज 1 ओवर z. तो उस सूरत में जब आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे तो आप डायरेक्ट ये लास्ट स्टेप लिखेंगे, सेकेंड लास्ट ये, और फिर z एंड z को कैंसिल करके 4 आंसर आएगा. ये दोनों स्टेप जो हैं इनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. लेकिन ये सिर्फ इसलिए किए गए कि आपको पता चले कि ये फार्मूला बनता कैसे है, ठीक है. आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन ए प्लस बी इक्वल्स टू 5 एंड ए माइनस बी इक्वल्स टू 3. Okay, ji. In this question, you have to find the value of a square plus b square and ab. And given is a plus b and a minus b. Okay, ji. Now, first of all, we use the formula a plus b whole square plus a minus b whole square equals to 2 into a square plus b square. ये वही formula है जो मैंने अभी आपको बताया कि हमने पीछे पढ़े हैं. पिछले question में हमने ये वाला formula use किया था जो मैंने अभी आपको बताया. डायरेक्ट आप ये यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी. ए प्लस बी इज 5. ओके, प्लस ए माइनस बी इज 3. सो वी पुट द 3 इक्वल्स टू 2 इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज 25. 3 स्क्वायर इज 9. ओके, सो 25 प्लस 9 इज 34. 34 इक्वल्स टू 2 इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस b square. Okay, so 2 is extra on the right hand side, so that's why we write divide by 2 on both side, or you can say divide the 2 on the left hand side.
ओके जी, व्हेन यू डिवाइड टू ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट बिकम्स 17. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 17 इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट. नाउ नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड ए बी. यू नो डैट ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ab. इफ वी हैव हियर माइनस सो वी राइट 4ab. इफ वी हैव प्लस देन फार्मूला इज 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. और ये आप सबको पता होगा क्योंकि आप लोगों ने फार्मूले याद किए होंगे और उम्मीद है कि आज आप लोग टेस्ट भी देंगे फार्मूलों का, क्योंकि 2 हफ्ते हो चुके हैं आप लोगों ने मुझे टेस्ट नहीं दिया अभी तक. तो आज देखते हैं कि आप टेस्ट देते हैं या टेस्ट नहीं देते. ओके जी, नेक्स्ट 5 square minus 3 square. 5 square is 25 and 3 square is 9. So 25 minus 9 is 16. Okay. So 4ab equals to 16. We have to find the value of ab, not 4ab. So that's why we divide 4 on left hand side to right hand side. Okay. So ab equals to 16 over 4. And when we divide 16 by 4, it becomes 4. So ab equals to 4 is your required answer of this part. Find the value of a square plus b square plus c square if ab plus bc plus ca equal to 11 and a plus b plus c equal to 6. Okay, dear. Now a plus b plus c equals to 6, ab plus bc plus c, a equal to 11, and you have to find the value of a square plus b square plus c square. Okay, dear. You know that the formula of a plus b plus c whole square equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. But in this question, we use the formula a square plus b square plus c square plus 2 into ab plus bc plus ca. Because we take the common 2 from these 3 terms, so it becomes 2 into ab plus bc plus ca. Okay. Now we put the values. So value of a plus b plus c is 6. So that's why we put here 6. And a square plus b square plus c square, we have to find these values, plus 2 ab plus bc plus ca. And ab plus bc plus ca is equal to 11. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैल्यूज आपको गिवन है इसकी 11 और a plus b plus c equal to 6. ओके जी, नाउ वो पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 11. सो इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 36, बिकॉज 6 स्क्वायर इज 36. Okay, now 2 multiply 11, 22. We take 22 to the right hand side. So it becomes 36 minus 22 equal to 14. So a square plus b square plus c square equal to 14, which is your required answer of this part. Second, the question number 19. Find the value of x cube plus y cube if xy equal to 10. Okay, and x plus y equal to 7. Now x plus y is 7, xy is 10, and you have to find the value of x cube plus y cube. Okay ji, now we use the formula of x plus y whole cube. It becomes x cube plus y cube plus 3 into xy into x plus y equal to 343. 343 क्यों? क्योंकि देखें आपके पास x plus y था और x plus y cube equals to 7 cube होता है. आपने जब ये formula use किया ये,
तो आपने लिखा x प्लस वाई होल क्यूब, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 7 है, उसका क्यूब डाल दें, ठीक है। तो आप जब 7 का क्यूब लेंगे वो आएगा 343। रही लेफ्ट हैंड साइड की बात, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें तो x प्लस वाई होल क्यूब आ रहा है, तो हम इसको ओपन करेंगे क्यूब को, x प्लस वाई का होल क्यूब जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास बनता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब आपने वैल्यूज को पुट करना है, प्लस 3 इंटू एक्स वाई, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 10, 10 हो गया, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 7, तो आपने 7 पुट कर दिया, 7 मल्टीप्लाई 10 70, 70 मल्टीप्लाई 3 210। नाउ वी टेक 210 टू द राइट हैंड साइड, सो इट बिकम्स 343 माइनस 210 इक्वल्स टू 133, और ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 86 एट x y इक्वल टू माइनस 16। ओके जी, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई होल क्यूब। वी नो दैट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, हियर a इज x एंड b इज y, सो दैट्स व्हाई वी यूज द फार्मूला x माइनस वाई होल स्क्वायर, एंड x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 86 माइनस 2 एंड xy इज माइनस 16, सो वी पुट हियर माइनस 16। ओके, माइनस माइनस प्लस, 2 16s are 32 and 86 plus 32 equals to 118, which is your required answer. 118 is equals to the x minus y whole square. Okay? So question number 21. Find the value of AB plus BC plus CA when the value of a square plus b square plus c square equal to 81, a plus b plus c equals to 11. Okay, now in this question you have to find the value of ab plus bc plus ca. We know that what is the formula of a plus b plus c whole square, a plus b plus c whole square equals to a square plus b square plus c square plus 2 into AB plus BC plus CA. Okay, so now we use the formula and we put the values of A plus B plus C and A square plus B square plus C square. Okay, A plus B plus C whole square equal to 11 square because A plus B plus C equal to 11. ठीक है, जब ये आपके पास 11 है, देखें जब आपके पास 11 है तो सिंपल सी बात है कि जहां पर आप ये यूज करेंगे वहां पर इसकी वैल्यूज भी यूज करेंगे, वैल्यूज की 11 यूज करें, 11 स्क्वायर इज 121। नाउ वी ओपन द फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वैल्यू इज 81। So that's why we use here 81. Okay, now we take the 81 to the right hand side, so it becomes minus 81. 121 minus 81 is 40. Okay, so it means 2 into AB plus BC plus CA equals to 40. But we have to find the value of AB plus BC plus CA. हमें सिर्फ ये चाहिए कि ये 2 है साथ, ये हमें नहीं चाहिए, ये आपके पास एक्स्ट्रा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे। वी हैव टू मेथड्स, फर्स्ट मेथड इज डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, चाहे तो आप ये करें 2 को दोनों साइड पे डिवाइड करें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड,
तो ये टू कैंसिल हो जाएगा और इससे ऐड में टू डिवाइड हो जाएगा. सेकंड मेथड इज डिवाइडिंग दिस टू ऑन राइट हैंड साइड. इस टू को आप राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दें. ये आपके पास दूसरा मेथड है. तो अगर आप ऐसा करते हैं कि इस टू को राइट साइड पे डिवाइड करते हैं, टू वन जा टू, टू ट्वेंटी जा फोर्टी, सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 20 इज योर रिक्वायर्ड आंसर. चेक कर लेते हैं. देखें, उसी तरह किया हमने, टू को राइट साइड पे डिवाइड किया, कैंसिल किया, 20 आपके पास आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर व्हेन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 32 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 7. ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. नाउ सिंपली वी पुट द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, द वैल्यू इज 32 एंड वी पुट द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए विच इज 7. नाउ वी मल्टीप्लाई 2 विद 7, सो इट बिकम्स 14 एंड 32 प्लस 14 इज 46, सो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 46 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके जी, इसी के साथ आपका लेक्चर ए प्लस बी इक्वल्स टू 5, ए माइनस बी इक्वल टू 3. वो यूज द फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जब आपने ये फार्मूला यूज किया, ए की जगह ए प्लस बी की जगह आपने 5 पुट किया, ए माइनस बी की जगह आपने 3 पुट किया, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, टोटल इज 34. आपको जो वैल्यू चाहिए वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की चाहिए. 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ये आपको नहीं चाहिए. 2 को डिवाइड कर दें दूसरी साइड पे, तो 34 डिवाइडेड बाई 2 17. दूसरा फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4 ए बी. इन दोनों फार्मूला में सिर्फ चेंजिंग ये है कि एक के मिड में प्लस आता है और एक के मिड में माइनस आता है. देखें बस, और कोई चेंजिंग नहीं है. माइनस होगा तो 4 ए बी होगा, प्लस होगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा. 5 स्क्वायर 25 माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज 9, 3 स्क्वायर 9 होता है, 24 माइनस 9 इज 16. आपको ए बी चाहिए, 4 एक्स्ट्रा है यहाँ पर. 4 को राइट साइड पर डिवाइड करें, 16 ओवर 4 इज 4 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देख लें. 18 में देखें, आपको फार्मूला पता होना चाहिए. ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर क्यों आया? देखें, आपके पास ए प्लस बी प्लस सी जो था वो 6 था, तो जहां पर ए प्लस बी प्लस सी यूज होगा वहां पर 6 यूज होगा, क्योंकि ये ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है. तो आपने लिखना है 6 स्क्वायर. अब ये तो हो गया 36. लेफ्ट साइड में आप इसका फार्मूला ओपन करें. इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ये कंप्लीट फार्मूला है. जब आप इसको ओपन करते हैं, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये तो इसी तरह रहेगा, क्योंकि ये तो आपने फाइंड करना ना. इधर देखें क्वेश्चन में, आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 11 दिया हुआ है. 2 मल्टीप्लाई 11 करें, क्या होता है? 22. 22 को राइट साइड पे लेके आए, 36 माइनस 22 14, ये आपका आंसर आ जाएगा. ओके, नाउ एनी क्वेश्चन?